بسم الله الرحمن الرحيم। जानती हो कि किस तरह एक औरत अपने शौहर को काबू में रखती है? मामा, मुझे कोई जरूरत नहीं कि ताहिर को अपने काबू में रखूं। मेरा मतलब वो नहीं है कि जो तुम सोच रही हो। मेरा मतलब है कि हर बात का हल तुम्हारे पास हो, यानी कि एक मिनट और एक दिन भी वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी ना रह सके। हाँ, ये ठीक है, ये बताइए। अपनी जगह पकड़ के रखो। क्या मतलब है अपनी जगह पकड़ के रखूं? मतलब ऐसा करो कि कोई दूसरी औरत तुम्हारी जगह ना ले सके। और ये किस तरह? उससे इतनी मोहब्बत करोगे कि वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल ना रह सके। एक दूसरे पर इतना भरोसा रखो कि वो जब भी घर से बाहर रहे मुतमईन रहे। हमेशा उसकी दी हुई चीजों का शुक्र अदा करो। दूसरों का मुकाबला मत करो। हमेशा वो चीजें जो तुम्हारे शौहर के पास हैं, दूसरों के पास नहीं है, अपनी नजरों में लाओ। ना वो चीजें जो दूसरों के पास हैं, तुम्हारे शौहर के पास नहीं है। कुछ और भी है? हाँ, एक और है। क्या? मोहब्बत करो अपने शौहर से। कहते हैं कि जब मर्द किसी औरत से शादी करता है और उसको अपने घर ले जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद उनका प्यार आदत में तब्दील हो जाता है, और तुम ऐसा ही करना कि उसका प्यार आदत बन जाए। आखिर किस तरह से? हमेशा उसके लिए तरोताजा रहो, उसका बहुत ख्याल रखो, मुस्कुरा कर रहो, हमेशा उसके साथ बहुत अच्छी तरह चलो। और ये बातें याद रखो, कभी भी किसी एक बात पर बहस नहीं करोगी। अब समझ में आया 30 साल से बाबा क्यों आपके गुण गा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल है मर्दों के लिए कि वो अपनी बीवी से कहें कि वो उनसे प्यार करते हैं। सच में? हाँ, वो कोशिश करते हैं कि अपने रवैये से ये जाहिर ना करें। तुम्हारे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। मगर तुम अपने शौहर से कहा करो कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे मोहब्बत करते हो। मुझे पता है कि तुम दिन रात मेरे लिए ही मेहनत करते हो। जानती हूँ कि अपने घर और घर वालों से मेरे लिए ही दूर हुए हो, मगर कम से कम दिन में एक दफा तो ये कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो।